गुड मॉर्निंग माई यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अभी नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है और आज मैंने सुबह में ब्लॉगिंग स्टार्ट किया। सुबह बोले तो मतलब 10 बज चुके हैं और अभी हम लोगों की टीम, मतलब मेरी मम्मी की और मेरे छोटे भाई की टीम, हम लोग निकल रहे हैं ऐसे ही मार्केट से, कुछ सामान लेना था उसके लिए। तो बस अभी निकलते हैं और थोड़ा ऐसे ही घूम फिर के आते हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। देखते हैं क्या होता है, आज का दिन कैसे बीतता है। आज भी हम लोगों को बाहर जाने का प्लान है क्योंकि कल छोटा भाई चला जाएगा मेरा, तो उसके बाद तो प्लान फिर ड्रॉप ही करना पड़ेगा। तो फिर देखते हैं कैसा दिखता है आज का दिन, बने रहिए मेरे साथ। हम लोगों का मार्केट हो चुका है, हम लोगों ने थोड़ी बहुत घर की सामानें खरीदी, जो किराना सामानें होता है वो सब नहीं था, तो हम लोग निकले थे तो सोचे ले लेते हैं लिए आज। और बस इतनी ज़्यादा गर्मी है कि इतने देर में ही थक गए हम लोग, ऑलमोस्ट आधा पौने घंटा ही हुआ होगा बाहर निकले में, बट इतना में ही थक चुके हैं हम लोग और अब निकल रहे हैं जल्दी घर। घर के पास ही आए थे तो बस ऐसे ही वॉक करते हुए चले आए थे, गाड़ी लेके नहीं आए थे हम लोग कि चलो ऐसे ही थोड़ा गप्पे मारते हुए निकल लेंगे, बट बाहर निकलने के बाद पता चल रहा है कि इतनी ज़्यादा गर्मी है, अच्छा होता गाड़ी लेके ही आए होते। बट कोई नहीं, ऐसे बात करते करते ज़्यादा मज़ा आता है शॉपिंग करने में, तो चलिए घर चलते हैं क्योंकि अभी तो थक चुके हैं। अभी घर जाके खाना पीना बनाएंगे हम लोग, खा पी के थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद थोड़ा धूप कम हो जाए तब हम लोग घर से बाहर निकलेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा धूप है कि तबीयत ख़राब हो जाएगा, तो ये तो अच्छी बात नहीं है घूमने के चक्कर में तबीयत ख़राब करना। तो इसलिए अच्छे बच्चे की तरह पहले हम लोग रेस्ट करेंगे खा पी के, उसके बाद हम लोग बाहर निकलेंगे। तो फिर बने रहिए और शाम को फिर मिलते हैं, एक बार देखते हैं क्या करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, जैसे कि मैंने बोला था आप लोगों को कि हम लोग शाम को बाहर निकलेंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा धूप थी। धूप तो फिलहाल अभी भी है पर 4:30 हो चुके हैं, तो अभी हम लोगों ने प्लान बनाया कि नहीं अभी निकलते हैं, फिर काफ़ी देर हो जाता है लेट निकलने में, तो अभी हम लोग सब रेडी हो चुके हैं। पापा का इंतज़ार है, उनको लेट हो रहा है थोड़ा रेडी होने में, हम सब रेडी हो चुके हैं। जैसे कि देख रहे हैं मेरा बदमाश भी रेडी हो चुका है और मेरा भाई अभी रिकॉर्डिंग कर रहा है, वो भी रेडी हो चुका है, इधर मम्मी भी रेडी है, पापा रेडी हो रहे हैं। तो बस अब आगे निकलते हैं हम लोग जा रहे हैं अभी इको पार्क, पटना में इको पार्क करके पार्क है, तो वहाँ पे मेरे पापा को लेके जा रही हूँ। तो बिना किसी देरी के चलिए चलते हैं, आ चुके हैं और बस घूमना स्टार्ट है। ये रहा भाई, ये रहा बेटा, ये रही मैं, पीछे मम्मी और पापा, और ये पीछे का व्यू आप देखिए पार्क का। पार्क नॉर्मल पार्क की तरह ही है बट यहाँ का इको पार्क फेमस है, तो मैंने सोचा कि चलो मम्मी पापा को दिखा देते हैं। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो यूनिक लगती है, मतलब अच्छी लगती है देखने में, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और पार्क में क्या होगा, पेड़ पौधे हैं, थोड़ा कटिंग शटिंग करके खूबसूरती है, और क्या ही स्पेशल होगा, बट अच्छा है और काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, ऐसा बोल सकते हैं एक नॉर्मल पार्क की तुलना में बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है, तो ये एक प्लस पॉइंट है, बाकी और कुछ खास नहीं है। तो देखिए जैसे कि आप पीछे देख ही रहे होंगे, ये लोग इतना स्लो चलते हैं कि पूछिए ही मत, बट मैं भी थोड़ा उन लोगों के साथ ही इंजॉय करती हूँ, मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए आते हुए इसको बलून दिख गया, मामा से बलून, और ये मम्मी पापा, ये पार्क है, ये कुछ खास नहीं होता है पार्क में, जैसा बना रहता है वैसा ही है, बट हाँ थोड़ा बहुत जैसे मैंने बोला थोड़ा कुछ डिज़ाइन वगैरह स्पेशियस है और कुछ नहीं। ये है वो छोटा सा चिल्ड्रन पार्क, और देखिए आते के साथ इसको किसी आदमी की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक जाओ इधर से बेटा, नहीं नहीं ठीक है इधर से, बस इसको और किसी लोगों की ज़रूरत नहीं है। नीचे बेटा, इधर इधर, हाँ स्लाइड करो, हाँ कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। इधर से आना होगा ना, यहाँ से सीढ़ी से जाओ, हाँ ना ना चपले पहन के जा।
इसको मतलब पूछियो नहीं, किसी से पूछना नहीं है, घुस गया। देखिए कहाँ से निकला और कहाँ पे आया। हाँ आ जाओ आ जाओ। आराम से गिरना नहीं। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। एक्चुअली 3-4 पार्क हैं इस पार्क में, तो एक जगह गैदरिंग नहीं होती है बच्चों की। कहीं कहीं पार्क में कहीं कहीं कम बच्चे, कहीं कहीं ज़्यादा बच्चे रहते हैं, तो इस हिसाब से ज़्यादा गैदरिंग नहीं होता है। काफ़ी बड़ा पार्क है, तो अच्छा है कि 4-5 पार्क बनाया है बच्चों के लिए। तो मेरा बेटा अभी इंजॉय कर रहा है और हम लोग वेट कर रहे हैं कि वो कब थके और बोले कि चलिए अब मैं थक चुका हूँ। बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने वाला भी है। खैर आए हैं तो उसको भी तो इंजॉय कराना बनता है, तो बस वो इंजॉय कर रहा है। हम लोग उसको देख के, उसको खुश देख के हम लोग खुश हो रहे हैं। तो यही तो ज़िंदगी है। तो फिर निकलते हैं यहाँ से, तो आपसे मिलते हैं। बेटा रितु मजा आ रहा है? अभी कुछ बोलना नहीं है इनको। ड्यूटी लगी है मामा की झुलाने को। चोट लग जाएगा बाबू। आओ इसको, जरा सा भी डर है, देखो तो देखो। हाँ चलो स्पेस बनाया है बच्चों के स्केटिंग के लिए, और मेरा बेटा बोल रहा है उसे भी करना है। उसे ये नहीं पता कि ये दिखना जितना आसान है ना, उतना करना नहीं। ये MiG-21 मिसाइल है जो यहाँ पे लगाया हुआ है, वही मैंने रिकॉर्ड किया है। ये देखो, ये इसके डिटेल्स है। ये इंग्लिश और ये हिंदी। ये आगे से कुछ ऐसा दिखता है, कितना खूबसूरत लग रहा है ना। और ऊपर में प्लेन जा भी रहा है, अगर आप देख पा रहे होंगे। और ये यहाँ का मेन आकर्षण है, झरना। ये पहले नहीं था बट हाँ कुछ साल हुए इसको बनाए हुए। ये बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लग रही है। बैठ के बातें कर रहे हैं, मम्मी पापा भाई और मेरा बेटा यहाँ पे।